नमस्कार, मैं अरुण छाजे फ्रॉम गांधीनगर न्यू दिल्ली। आज हम बात करते हैं सर्कुलर जो कि इशूड हुआ है जून में। अभी तक दो सर्कुलर इशू हैं, 47 डेटेड 8th ऑफ जून एंड सर्कुलर नंबर 48 डेटेड 14th ऑफ जून। उसमें क्या क्या क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है वी विल डिस्कस इन डिटेल। वन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली क्लिक ऑन द सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो पहला मैं पढ़ता हूँ सर्कुलर नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 1। सर्विस ऑफ शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेट हॉल एट्सेट्रा प्रोवाइडेड टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, उसे क्या बोलूँगा मैं, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट। डाउट इसलिए अराइज होता है जब मैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी रेफर करता हूँ। वो ये बोलता है अगर आप सप्लाई कर रहे हो एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को, उसे इंटरस्टेट बोला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई का एक प्रोविजन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी। वो ये बोलता है कि इन केस ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शैल बी द प्लेस एट विच सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। अब मानिए जो सप्लायर है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो जहाँ पे है आउट ऑफ एसईजेड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो कैन दिस ट्रांजेक्शन बी ट्रीटेड एज एन इंट्रास्टेट, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट। सो ये क्लेरिफिकेशन दिया गया, इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट दैट इन केस ऑफ देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजन, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है और एक जनरल प्रोविजन है, तो कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा, सर स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा। देयरफॉर द क्लॉज द सेक्शन 7(5) सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 इज स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स टू एसईजेड। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12। सो कंक्लूड करता हूँ, इट इज देयरफॉर क्लेरिफाइड दैट द सर्विस ऑफ द शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंस, बैंक्वेट हॉल एट्सेट्रा प्रोवाइडेड टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेदर द बेनिफिट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई कैन बी अलाउड टू ऑल प्रोक्योरमेंट बाई ए एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट सच एज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, होटल अकोमोडेशन एट्सेट्रा। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, जीरो रेटेड सप्लाई मीन सप्लाई द गुड्स और सर्विस बोथ टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी प्रोवाइड फॉर द रिफंड ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रिफंड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। फर्दर एज पर द सेकेंड प्रोविजो टू रूल 89 सब रूल 1 of CGST in respect of supply to SEZ unit or SEZ developer, the refund application shall be filed ya to by the supplier of the goods after such goods have been admitted in full in the SEZ for authorized operation as endorsed by the specified officer ya supply of service along with such evidence regarding the receipt of service for authorized operation. So receipt of goods or service for authorized operation is an important part. So supply to SEZ unit or developer shall be zero rated and the supplier shall be eligible for refund of unutilized ITC or IGST paid as the case may be only if such supply has been received by SEZ unit or developer for authorized operations. Important authorized operation. An endorsement to this effect shall have to be issued by the specified officer. Therefore, subject to the provision of section 17 subsection 5, if the event management service, hotel accommodation, consumable services, etc. received by the SEZ unit or developer for authorized operation, shall be the benefit of zero rated supply shall be available in such cases. Question number 3. ये question तीन part से link करता है. Notification number 5, section 54 subsection 3 or and then rule 89. सो नॉर्मली हम जानते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सर्कमस्टांसेज व्हेन रिफंड कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस व्हेन द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द रेट ऑफ द टैक्स इनपुट बीइंग हायर, यहाँ पे सिर्फ इनपुट है, इनपुट गुड्स नहीं है, इनपुट सर्विस नहीं है सॉरी, इनपुट गुड्स बीइंग हायर देन द रेट ऑफ द टैक्स ऑन आउटवर्ड
सप्लाई ऑफ सच गुड्स। नोटिफिकेशन फाइव क्या बोलता है? नोटिफिकेशन फाइव स्पेसिफाई करता है गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कैन नॉट बी क्लेम्ड। सो उसमें मोस्टली फैब्रिक्स के आइटम्स हैं। सो इनकेस अगर फैब्रिक्स के आइटम की अगर आप सप्लाई करते हो, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC इवन दो देर इज ए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। सो नाउ द क्वेश्चन वाज, क्या उस फैब्रिक को, जो फैब्रिक का प्रोसेसर है जो जॉब वर्क के सप्लाई करता है, उसे भी रिफंड नहीं मिलेगा? आंसर इज बिग नो, क्योंकि वो फैब्रिक की सप्लाई नहीं कर रहा, फैब्रिक को प्रोसेसिंग करने की या जॉब वर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नॉट द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ फैब्रिक्स। इट इज क्लेरिफाई दैट फैब्रिक प्रोसेसर शैल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स इवन इफ द गुड्स सप्लाई टू देम आर कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन। क्योंकि वो गुड्स कवर्ड है, सर्विस की बात नहीं कर रहा, अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई सर्विस दी जा रही है तो वैसे जॉब वर्कर कैन क्लेम द रिफंड। नाउ अब मैं बात करता हूँ, अभी तक मैंने बात की नोटिफिकेशन 48 की, अब मैं बात करता हूँ सर्कुलर नंबर 47 की। व्हेन द मोल्ड्स डाइज ऑन बाय द OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट FOC टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर वेदर इट इज लिवाइबल टू टैक्स एंड वेदर OEM आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स ITC इन दिस केस। यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है, शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, जहाँ पे सप्लाई की बात करता है इन केस ऑफ देर इज नो कंसिडरेशंस। मुझे साथ में पढ़ना है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी एंड देन मुझे एक चीज़ और पढ़नी है 17(5) का प्रोविजन। पहला बात करता है मोल्ड डाइज एंड जिग्स ऑन बाय द OEM विच आर प्रोवाइडेड टू ए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑन FOC बेसिस। तो ये दोनों बंदे ना तो रिलेटेड पर्सन है ना डिस्टिंक्ट पर्सन है। सो देयरफॉर इवन दो देर इज नो कंसिडरेशंस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। फर्दर सिंस द मोल्ड्स डाइज आर प्रोवाइडेड FOC OEM टू द मैन्युफैक्चर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ ITC बिकॉज मैं कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट नहीं दे रहा तो मुझे इनको रिवर्स करने की जरूरत है। नाउ सेकेंड इट इज फर्दर क्लेरिफाई दैट वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर द वैल्यू ऑफ द मोल्ड डाइज प्रोवाइडेड बाई द OEM शैल नॉट बी एडिड टू द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द मोल्ड डाइज वॉज नॉट इनकर्ड बाई द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। क्योंकि इसका कॉस्ट किसने, जिसने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चर किया तो कॉस्ट उसने इनकर्ड की है। सो देयरफॉर जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन OEM एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वॉज फॉर द सप्लाई द कंपोनेंट मेड बाई यूजिंग द मोल्ड्स डाइज बिलोंगिंग टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर बट द सेम हैव बीन सप्लाइड बाई द OEM द अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ सच मोल्ड्स डाइज शैल बी एडेड। अगर एग्रीमेंट ऐसा है देन इट कैन बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द सर्विसिंग ऑफ द कार इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई द गुड्स, क्योंकि कुछ स्पेयर पार्ट्स रहते हैं और कुछ सर्विस भी रहती है, वेदर द वैल्यू द गुड्स एंड सर्विस आर सोन सेपरेटली टू बी ट्रीटेड अंडर GST। सो पहला आंसर उनका यही था कि केस टू केस बेसिस पे एंड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस के अकॉर्डिंग ही हमें टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ती है सप्लाई। हाउएवर व्हेन द सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस आर सोन सेपरेटली द गुड्स एंड सर्विस वुड बी लाइबल टू टैक्स एट द रेट एज एप्लीकेबल टू सच गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्शन ऑफ टी एंड कॉफी के रिगार्ड में था। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत क्या हर जगह होगी और क्या मुझे ITC एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। सो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्रिंसिपल प्लेस एंड एट एडिशनल प्लेस आर क्लेरिफाइड एज बिलो। पहला बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्शन ऑफ द टी एंड कॉफी रिपेयर सेक्टर द प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर मे डिक्लेयर द वेयर हाउस वेयर सच गुड्स आर स्टोर्ड एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस के रूप में दिखा सकते हैं। द बायर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सच वेयर हाउस एज एडिशनल प्लेस इफ ही वॉन्ट्स टू स्टोर द गुड्स परचेज थ्रू ऑक्शन इन सच वेयर हाउस। क्लियर? तो अगर बायर है या प्रिंसिपल है ऑक्शनर है उस जहाँ पे वो गुड्स स्टोर करते हैं उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखा सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई द टी थ्रू ए प्राइवेट ट्रीटी द प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर मे ऑल्सो कंप्लाई विद द सच प्रोविजन।
सो इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 35 नीड टू बी कंप्लाइड विद मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द बिजनेस. हाउएवर यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मिला, इन केस ऑफ द डिफिकल्टी बीइंग फेस्ड एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज क्लेरिफाइड दैट दे कैन मे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द एडिशनल प्लेस. कहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं? एट द प्रिंसिपल प्लेस इंस्टेड ऑफ सच एडिशनल प्लेस. सो बट उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को राइटिंग में इंटीमेट करना होगा कि वो मेंटेन नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट या एट एडिशनल प्लेस नहीं मेंटेन कर रहे, दे आर मेंटेनिंग एट द प्रिंसिपल प्लेस. फर्दर क्लेरिफाई किया, एलिजिबिलिटी ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC कोई इशू नहीं है, दे आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट. ईवे बिल के रिगार्ड में एक फर्दर क्लैरिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रेलवे मैं कर सकता हूँ पार्ट ए जनरेट करके, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू अपडेट द पार्ट बी. वेदर गुड्स कैन बी डिलीवर्ड इवन इफ द ईवे बिल इज नॉट प्रोड्यूस, आंसर इज बिग नो. रूल 38 सब रूल 2A ऑफ CGST क्लेरिफाई करता है कि रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस द ईवे बिल इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. द लास्ट क्वेश्चन अगेन विद रिस्पेक्ट टू ईवे बिल, यहाँ पे दो पार्ट थे. When the goods transit through another state while moving from one area in a state to another area in the state, क्या मुझे EV bill बनाना होगा? Second question, when the goods move from a DTA to SEZ और vice versa located in the same state, क्या मुझे EV bill बनाना होगा? सर पहला बात है, EV bill supply से matter नहीं करता, interstate या interstate, सब वो depend करता है movement of the goods. अगर एक state से दूसरे state में movement हो रहा है, अगर विद इन द सेम स्टेट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ द लोकेशन उसके बीच में कोई दूसरा स्टेट फॉल कर रहा है, तो दिस इज एन इंटर स्टेट मूवमेंट एंड ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड. इट मे बी नोटेड दैट ईवे बिल जनरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन वेदर ए सप्लाई इज एन इंटर स्टेट और नॉट, बट ऑन वेदर द मूवमेंट इज एन इंटर स्टेट और नॉट. देयरफॉर इफ द गुड्स ट्रांजिट थ्रू ए सेकेंड स्टेट वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस इन ए स्टेट टू अनदर प्लेस इन द स्टेट एंड ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. अब मुझे इस क्वेश्चन का ज़्यादा रिलेवेंस तो नहीं लग रहा, बिकॉज कि नाउ आफ्टर 16th of June जब दिल्ली ने भी अपना इंप्लीमेंट कर दिया ईवे बिल, सो देर इज नो सच स्टेट इज बीइंग पेंडिंग फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईवे बिल. सो बट हाउएवर अगर वो स्टेट इंटर स्टेट मूवमेंट है, देन आई नीड टू सी द प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट. क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन, वैन द गुड्स मूव फ्रॉम ए DTA यूनिट टू द SEZ यूनिट और वाइस वर्सा लोकेटेड इन द सेम स्टेट, वैन द गुड्स मूव फ्रॉम ए DTA टू SEZ और वाइस वर्सा, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू जनरेट एन ईवे बिल इफ द सेम इज बीन एग्जेम्प्टेड अंडर रूल 138 सब रूल 14 क्लॉज डी. आई होप इट्स क्लियर. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो. एंड ऑल्सो मेरा नया GST सर्टिफिकेट बैच वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th June. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं. आई एम करंटली आई हैव बीन डिलीवर्ड द वेरियस लेक्चर एट द NIRC ऑफ ICAI सी इंस्टीट्यूट नायकासा निकासा में. एंड ऑल्सो आई वॉज द GST ट्रेनिंग फैकल्टी एट द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली एट कैलकाटा. आई एम ए रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी फॉर MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, प्रोवाइडेड 2 or 3 सर्टिफिकेशन कोर्स ओवर देयर. सो thank you very much. In case if you are interested to take the GST certification classes from me in the 6th online batch, you can contact me in the WhatsApp number 9278102521, or you can put your detail in the YouTube comment also. Thank you very much.